मेरे वालों सारे जी प्यार भरी सत श्री अकाल सलाम नमस्ते ते आदाब। आज दी जिहड़ी वीडियो आ तुसी सारे ने मेरे नाल वो देखनी है जिहदा टाइटल कुछ अमेजिंग है एंड तुसी सारे जने मैंने पता बहुत इंट्रस्ट दिखाओगे इदा दी वीडियो दे विच इंडियन मीडिया रिएक्शन ऑन पाकिस्तान ऑफर टू इंडिया COVID-19 एयरलाइन इंडिया मतलब जिहड़ा वो उन्होंने ऑफर किया पाकिस्तान वाले ने इंडिया नू उहदे ते इंडियन मीडिया ने अपना की विचार दिखाया कि उन्हां दा मनना वो आपां अज्ज दी वीडियो दे विच देखना। पर उस तो पहला अपने चैनल नू तुसीं करना सबसक्राइब जिहदा नाम पंजाबी रील टीवी एंड उस तो बाद तुसीं अपना इंस्टाग्राम भी फॉलो करना जिहदा नाम है पंजाबी रील। इस वक्त अपनी तारीख के सबसे बुरे हालात से गुजर रहा है। हाँ, जहां एक कोई शक नहीं है से ऊपर केसेस आए तो दूसरे ही दिन ये तादाद 3,50,000। ये वीडियो थोड़ी पुरानी है हम थोड़ा जा हेल्थ सिस्टम की कमर तोड़ कर रख दी है। हॉस्पिटल्स में बेड खत्म हो चुके हैं, लोगों को ऑक्सीजन लगाने के लिए ऑक्सीजन की कमी है। लोग इस वक्त अपने प्यारों को हॉस्पिटल्स के बाहर लेकर बैठे हैं कि शायद वो अपने प्यारों की जानें बचा सके, लेकिन हॉस्पिटल्स भी मजबूर हैं क्योंकि वो पहले ही अपनी कैपेसिटी से ज्यादा मरीजों को एडमिट किए हुए हैं। अब इस तमाम सूरत हाल में पाकिस्तान ने भारत की जानिब दोस्ती का हाथ बढ़ाया है, जिस पर पाकिस्तान को हमेशा बुरा भला कहने वाली अदाकारा कंगना रनौत ने क्या कहा है और भारतीय मीडिया ने इस पर क्या रद्द अमल दिया है आपको बताते तो आप चंकी दी उम्मीद कर नहीं सकते यार। देखें जिससे आपको अंदाजा होगा कि भारत में इस वक्त कैसी खतरनाक सूरत हाल है। आपको हमने 78 बॉडी का ग्रेविशन किया और इस समय जहाँ खड़े हैं अभी शाम के लगभग 4:30 हुआ, आप देख लीजिए कि 50-60 बॉडी यहाँ पे 60 के भी बॉडी जल रही है। इस समय अभी रात होते होते 11 बजे तक बॉडी आएगी, बाहर जो पड़ी है मेडिंग में 15 बॉडी पड़ी है। 4 गुना ज्यादा ये भयंकर कोरोना आया है दुनिया से, तो दिल्ली के अंदर ऐसा मंजर किसी ने आज तक नहीं देखा होगा जो हमने अपनी आंखों से देखा है। 5 साल का बच्चा भी आ रहा है, 15 साल का बच्चा भी आ रहा है, 20 साल के बच्चे बच्चियाँ भी आ रही हैं। ओए यार, छोटे छोटे बच्चे भी बच्चे आ रही हैं। बहुत बड़ा चुनाव आज देखा नहीं जा रहा है। इस पर जो हो रहा है दिल भर जाता है देखिए, बच्चों का छोटे छोटे बच्चे मर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे मर रहे हैं और कोई देखने वाला नहीं इनको। आज सांस की तकलीफ से मर रहे सारे हैं, लाशें जबरदस्त मंजर लगा हुआ है, बाहर वेटिंग है बढ़िया लाशें हमारे पास, पाकिस्तान ने भारत को मदद की बड़ी पेशकश की है। दफ्तर खारजा की जानिब से जारी किए गए बयान के मुताबिक कोरोना वायरस की बढ़ती हुई लहर के पेश नजर पाकिस्तान ने हमसाया मुल्क को जज्बा खैर सगाली के तहत मदद की पेशकश की है। बयान में कहा गया है कि भारत को वेंटिलेटर, PIPAP, डिजिटल एक्सरे मशीन्स, PPE और दीगर मुतलका अशिया देने को तैयार है। दफ्तर खारजा ने कहा है कि पाकिस्तान और भारत के मुतलका हुकाम इमदादी सामान की फौरी फराहमी के लिए तरीकेकार पर काम कर सकते हैं, जबकि इस वायरस को कम करने के लिए और तरीकों पर भी काम कर सकते हैं। जबकि इससे पहले वजीर आजम इमरान खान और वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने भी भारत को मदद की मुकम्मल यकीन दहानी करवाई थी और कहा था कि भारतीय अवाम के साथ खड़े हैं इस मुश्किल वक्त में। सिर्फ यही नहीं बल्कि ईदी फाउंडेशन ने भी भारत को मदद की ऑफर की है और कहा है कि भारत को 50 एम्बुलेंस देने को तैयार है जो इस मुश्किल वक्त में भारत के मदद आएंगे। सिर्फ एम्बुलेंस ही नहीं बल्कि ईदी इनके साथ पूरा अमला भी भेजेगा जिनमें स्टाफ, जरूरत की अशिया, हत्ता के पेट्रोल के पैसे भी खुद बर्दाश्त करेगा, जो ईदी की जानिब से एक बड़ी ऑफर है। इसके अलावा पाकिस्तानियों ने ट्विटर पर एक ट्रेंड भी चलाया है जिसमें भारत के साथ यकजहती का मुजाहिरा किया गया है, जिसमे कहा गया है कि पाकिस्तान स्टैंड विद इंडिया, जिसकी भारतीय आवाम ने भी खूब तारीफ की है और कहा है कि पाकिस्तान के शुक्रगुजार हैं कि इस मुश्किल वक्त में पाकिस्तानी हमारे साथ खड़े हैं। यही नहीं, पाकिस्तान की मुखालफत में हर हद पार करने वाली भारतीय अदाकारा कंगना रनौत भी इस मौका पर चुप नहीं रही। भारतीय अदाकारा ने कहा कि भारत में कोरोना वबा के बायस इंतहाई खराब होती सूरत हाल पर पाकिस्तान समेत दुनिया भर से नेक ख्वाहिशात ने दिल जीत लिए। शुक्र है, नहीं तो इन्हें तो हुण भी यही कहना सी कि जिहड़ा इह करोना हैगा दिस इज़ अ टैररिस्ट एक्टिविटी जिहदा करदा
भारतीय अदाकारा भी पाकिस्तानी हमदर्दी की मोतरिफ हो गए। अदाकारा ने सोशल मीडिया पर अपने पैगाम में लिखा कि पाकिस्तानियों की जानिब से पाकिस्तान स्टैंड विद इंडिया को टॉप पर देखकर बहुत अच्छा लगा। दूसरी जानिब भारतीय मीडिया भी पाकिस्तान की तारीफ किए बिना नहीं रह सका। ये वीडियो आप देखें। सरकार लोगों की जान बचाने के लिए पूरी कोशिश कर रही है। बढ़ते मामलों के बीच भारत को वैक्सीन से ही सबसे ज्यादा उम्मीद है, लेकिन कच्चे माल की कमी से इसमें भी दिक्कतें आ रही हैं। इस मुश्किल हालात में जब भारत ने अमेरिका की ओर रुख किया तो उसने भी मदद से साफ इनकार कर दिया। अमेरिका जो भारत को अपना करीबी दोस्त कहता है, मुश्किल वक्त में उसकी ओर से ये जवाब आया है। वहीं दूसरी ओर चीन और पाकिस्तान जैसे देश में मदद करने की पेशकश की जा रही है। अमेरिका से कच्चे माल पर लगी पाबंदी नहीं हटने वाली है। बाइडेन प्रशासन की ओर से साफ कर दिया गया कि उसका पहला दायित्व अमेरिकी लोगों की आवश्यकताओं पर ध्यान देना है। अमेरिका की ये सफाई हजम करने वाली नहीं है। वहीं पाकिस्तान के अंदर भी भारत में कोरोना के हालात पर चिंता जताई जा रही है। कई संस्थाओं की ओर से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर मदद देने की पेशकश की जा रही है। तो आप समझ सकते हैं कि अमेरिका जो चिल्लाता रहता है कि हम भारत के दोस्त हैं और भारत के साथ दुख की घड़ी दे विच ही अपने भाई दा पता लगदा हुंदा। इस तमाम सूरत हाल को देखकर हम सबको भी एहतियात की जरूरत है ताकि हम खुद सेफ रहकर इनकी मदद कर सके जो इस वक्त मुश्किल हालात में है। जड़ा ही पाकिस्तान इंडियन मीडिया का जिहड़ा एक रिस्पोंस सीगा इस चीज़ से, ये मैनू लगा सी नैगेटिव होगा कि बट इट्स पॉजिटिव एंड हाईली अप्रीशिएटेड बिकॉज मैनू उम्मीद नहीं सी पहली गल तो। एंड बट हुण जिहड़े इन्होंने जो आप वीडियो सुनी है, एक क्लिप एक आडियो क्लिप सुनी है, उहदे विच दिखाया जा रहा है कि पाकिस्तान की तारीफ की जा रही इंडियन मीडिया के द्वारा जो कि हजम करने वाली गल नहीं सी, बट फिर भी क्योंकि इस टाइम जो सिचुएशन है इंडिया की वो काफ़ी नाजुक आ करोना लैके। करोना ने पिछले साल भी बहुत भूचाल मचाया सी, ते इस साल भी इन्हें बहुत ज़्यादा भूचाल मचाया। बहुत सारे लोगों की जाना जा रही, जिन्हों के छोटे छोटे बच्चे है, बजुर्ग आ, नौजवान है, मिडल एज्ड परसन है, ठीक है। करोना किसी नूं भी नहीं बख्श रहा, सबनू साह की प्रॉब्लम आ रही है कि साह औखा आता, ठीक है, क्योंकि करोना जो वो तुहाडी छाती जाम कर देंदा, ठीक है। एंड ये आई नहीं कि बहुत टाइम लगता, ये कुछ एक दो तीन वो मैक्सीमम पाँच छः दिन जी हालात इन्नी खराब हो जाती है। इस करके कहने कि तुहानू जदों भी थोड़ा जा भी कोई प्रॉब्लम आवे, कोई लक्षण लगे, तो जल्दी तो जल्दी उन्हों मतलब कि कोई अपनी अपना ट्रीटमेंट शुरू करवाओ, है ना, ता जो इन्ना काम वधे ना कि जदों तक तुसी दवाई लैन जाओ उदों तक जिहड़े डॉक्टर्स भी सोचां च पै जाण कि यार हुण तां कोई हल नहीं है। मैं इदां दीआं वीडियोज़ होर भी देखियां जिहदे विच शमशान घाट दे विच भी जगह नहीं मिल रही लाशां नूं जलाउण दे लई, उन्हां दा अंतिम संस्कार करन दे लई। इस तों माड़े हालात जिहड़े आ उह होर की हो सकदे आ यार। देखो इस टाइम ते जिहड़ा करोना है ना, उहनूं उह इक हैंडमेड वैपन है, ठीक है, हैंडमेड वैपन है, क्योंकि कुछ इदा दे साइंटिस्ट जां कुछ इदा दे जिहड़े महाज्ञानी लोग हुंदे आ उन्हां दीआं मैं वीडियोज़ देखियां, एंड उन्होंने दावा किया कि पिछले कई सालों तो जिहड़ा एक की नाम सी उहदा अपना माइक्रोसॉफ्ट का जिहड़ा ओनर है बिल गेट, है ना, बिल गेट्स एंड टेस्ला का जो ओनर है, नाम नहीं दिमाग चाह रहा, अच्छा उन्होंने आपस में कोई संधि हुई सी जिहदे नाल उन्होंने कहा कि क्योंकि जिहड़े असल में जिहड़ी दुनिया नूं चलाउण दा काम है ना वो वड्डे वड्डे बिजनेसमैन कर रहे हैं। जेकर तुहाडे मन च होवे कि तुहाडा प्राइम मिनिस्टर देश नूं चला रहा, इट्स रोंग। जो बहुत वड्डे वड्डे बिजनेसमैन हुंदे आ दुनिया नूं वो चलाउंदे आ, देश नूं वो चलाउंदे आ, ठीक है, यह एक सच आ जिहड़ा शायद किसी किसी नूं पता होगा। तो उन्होंने आपस में जो संधियां कीतियां, उन्होंने कहा कि दुनिया की जिहड़ी पॉपुलेशन आ वह बहुत वध रही है, तो जिहड़े कुदरती जो संसाधन हुंदे आ, जो कुदरती आपां नूं नेचर वल्लों आपां नूं चीज़ां मिलदियां उन्हां नूं खतरा, लाइक पानी, एयर पोल्यूट हो रही है, इदां चीज़ां, है ना, तो जिहड़ी दुनिया की आबादी है वह लगातार वध रही है। एंड इस नूं कंट्रोल करन लई पिछले 10-15 सालों तो बहुत सारे स्टैप चक्के जा रहे हैं, पर होया की है कि हम दो हमारे दो वाला सिस्टम भी चलिया सी, होर भी कई तरीके नाल इन्होंने जिहड़ी पॉपुलेशन उहनूं घट करन दी कोशिश कीती है, बट एवरी मिनट
एवरी मिनट हज़ारों की गिनती बच्चे पैदा हो रहे हैं। ठीक है, सो देखो मैं इस गल की पुष्टि नहीं कर रहा कि ये किस कि सच है कि झूठा, बट जो मैं सुनिया जिद मैनू कुछ एक फैक्ट भी लगा कि यह पॉसीबिलिटी है कि यह चीज़ हो सकती है कि एक करोना है जोड़ा वो इस करके हैंडमेड एक वैपन तैयार किया गया ता जो जी पॉपूलेशन है वह घट हो सके। ठीक है, एंड ये पिछे बहुत वड्डी राजनीति है, बहुत वड्डा पॉलिटिक्स, क्योंकि कई वीडियोज़ वायरल होंगे जिन्हों के आप देखते हैं कि बंदे नू करोना नहीं भी है बट उन्हों टीका ला दिता जाता है तो एंड थोड़े टाइम बाद उसकी लाश फड़ा दी जाती है कि लो जी थोड़ा बंदा पूरा हो गया करोना नाल। एक घंटे दे विच पहला नैगेटिव सी रिपोर्ट, उस तो बाद पॉजिटिव आ जाती है, मतलब की हो रहा आई डोंट नो। इन्ने कपड़े हो रहे हैं, इन्ना हॉस्पिटल्स दे विच इन्ना कोहराम मचिया पिया, छोटे बंदे की कोई गल ही नहीं सुनता कि हुण सही की है गलत की है आई डोंट नो। क्योंकि कई लोग कहिंदे जे तुहानूं करोना हुंदा वी है तां अपने घर ही इलाज करो, हॉस्पिटल जाण दी लोड़ नहीं। हुण देखो जी आपां किसी दी नहीं मन सकदे इत्थे, है ना, क्योंकि जिहदे नाल बीत रही है उहनूं अपने नालों ज़्यादा पता। आपां घर बैठ के कैमरे दे अगे लोकां नूं सलाहां नहीं दे सकदे कि भाई तुसीं आह करो जां आह ना करो। मैं जिस तुहाडे नाल इनफॉर्मेशन है जिहड़ी उह शेयर कर रहा तो मैं सिर्फ इन्ना ही करना, मैं किसी नूं राय नहीं दे सकदा बिकॉज जिस बंदे नाल बीत रही है वह उहनूं पता उहदी सिचुएशन का, मैनूं नहीं पता। सो मतलब इन्ना कि यार करोना ने इन्ना कोहराम मचाया पिया हुण आई डोंट नो, इहनूं कुदरती करोपी तो आप कह नहीं सकते। ठीक है, क्योंकि ये हैंडमेड वैपन है, ये तो कन्फर्म्ड है, ये तुहानूं मैं 100% श्योरिटी ही दिना कि यह हैंडमेड वैपन ही है। ठीक है, ये क्यों किया गया वो बारे मैं नहीं पता, बट जो भी है बहुत माड़ी चीज़ है। जो वैक्सीनज आ वैक्सीन जिन्हों, क्योंकि हर एक बॉडी का वक्रा वक्रा सिस्टम हों, ठीक है, किसी बॉडी पर वैक्सीन किदा काम कर रही है, किदा किसी पर किदा काम कर रही है। मेरे साढ़े रैलेटिवस जे गुआढ़ भी काफ़ी जने जिन्होंने वैक्सीन्स लगवाई एंड उन्होंने वक्रे वक्रे तरह के उन्होंने रिएक्शन है, किसी को कुछ नहीं होया। मान लो पांच बंद ने लवाई जिन्हों चो दो बंद कुछ नहीं होया, बिल्कुल नॉर्मल है। एक बंदे पैरालिस का अटैक आ गया, दूजे बंदे दियाँ लत्तां खड़ गईं, तीजा बंदा मंजे तो ही नहीं उठ रहा, एक महीना हो गया मंजे ते ही पिया। मतलब इदां दियां प्रॉब्लम्स है जिहड़ियां कई देखने आ रही, क्योंकि वैक्सीन किसी की बॉडी पर किदा असर करती है, हर एक बॉडी का अपना अपना सिस्टम होंगे, अपना अपना स्ट्रक्चर है, वो किसी का की रिएक्शन होंगे, किसी का की रिएक्शन होंगे। ठीक है, सो काफ़ी सारिया इदा दियां चीज़ां हो रही हैं जो समझ तो बाहर है। करोना एक नवी डिसीज़ है जिदे बारे किसी नूं कोई एक्सपीरियंस नहीं है, ये एक्सपीरियंस सिर्फ एक लास्ट ईयर तो थोड़ा बहुत सीख के अगे इनू प्रीकॉशनस ले जा रहे हैं, जनू सोल्व करने की कोशिश की जा रही है, है ना। बट जो भी है बहुत माड़ा है एंड इंडियन मीडिया ने जो रिस्पोंस दिता पाकिस्तान से, इट्स वैल एंड गुड। एंड वैसे भी ऑक्सीजन की बहुत लोड़ है इंडियन मीडिया, इंडियन लोगों, खास करके साडे प्राइम मिनिस्टर नू अपील है कि सर तुसी प्लीज़ इन्हां नू अलाउ करो ता जो वो अपनी आके हैल्प कर सकन, आपां नू हैल्प की लोड़ है इस टाइम एंड पाकिस्तान अपने नाल खड़ा है। थैंक यू सो मच पाकिस्तान, थैंक यू सो मच पाकिस्तान के लोगों, इदा ही प्यार बनाई रखो यार, एक दूजे नाल इदा ही रल के चलोंगे तो पूरी दुनिया अपना पानी भर सकती है। ठीक है, इंडिया पाकिस्तान जे एक हुंदा तां। एनीवेज ठीक है जी, ये सी वीडियो अज की, होप सो तुसीं कुछ नवीं चीज़ां सीखियां होनियां एंड इस नॉलेज नूं अपने तक ही सीमित ना रखियो, इस वीडियो नूं शेयर जरूर करियो, शेयर करना तुहाडा फर्ज़ बनता है। मैं मिलता तुहानूं किसी होर वीडियो दे विच, तद तक मैनूं दिओ इजाज़त, सत श्री अकाल ते चक्की रखो इदां ही काम। With